Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. I am at Joe's Fisheries fish shop that is located at Bhandup West. इस शॉप में बहुत सारे वैरायटी की फिशेस हैं और ये शॉप जो है भांडुप वेस्ट में लोकेटेड है और इस शॉप में मुझे आज इनविटेशन मिला है शूट के ऑफर का. तो आज हम देखेंगे जोस फिशरीज फिश शॉप जो भांडुप वेस्ट में लोकेटेड है. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर फिश शॉप. सो ये है जोस फिशरीज फिश शॉप और यहाँ पे आपको कई सारे फिशेस की वैरायटीज मिलेंगी. और लाइव फिशेस के साथ यहाँ पे ड्राई सेक्शन है जहाँ पे आपको फिश फूड और फिल्टर्स मिलेंगे, साथ ही जो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स और एयर पंप एयर स्टोन्स वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे. और ये सारे फिश फूड है यहाँ पे. और यहाँ पे आपको सेटअप टैंक्स बना के मिलेंगे जो एज इट इज़ आपको जो है घर पे लेके जाना पड़ेगा और इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा. आपको एज इट इज़ सब बना के सेटअप टैंक्स मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. और इनके पास केजेस भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे इनके पास बर्ड्स भी है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके पास लव बर्ड्स हैं. सो राइट नाउ आई एम विद द ओनर ऑफ जोस फिशरीज फिश स्टोर. हियर इज मिस्टर दिवेश. नमस्कार भाऊ. फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर. आपके शॉप में मुझे इन्विटेशन देने के लिए शुक्रिया. और मैंने देखी कि आपके शॉप में काफ़ी सारे वैरायटीज़ की फिशेस हैं, तो क्या कहना चाहेंगे क्या क्या फिशेस आपके शॉप में हमें मिलेगी? हमारे पास ये यहाँ पे नॉर्मल साइज के गोल्ड है. जी जी. तो फिर उसमें वरांडा गोल्ड है अच्छे और ड्राई सेक्शन भी आपके पास, राइट? ड्राई सेक्शन भी है. ओके. तो जी 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 जी, एक के बाद एक फिर शुरू करते हैं आपके फिशेस के साथ. जी, तो फिर सबसे पहले हम बीटा फिश इनके देखने वाले हैं. इनके पास काफ़ी खूबसूरत बीटा स्टॉक है. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बीटा के कलेक्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन. तो हम इस शॉप के ओनर से जानेंगे. मेरे साथ दिवेश भाई हैं. तो भाई सबसे पहले मैं इस बीटा के बारे में जानना चाहता हूँ, ये कौन सी बीटा है आपके पास? ये डबल टेल फुल मून बीटा है. अच्छा. डबल टेल फुल मून बीटा है मल्टी कलर में. ओके. और यहाँ पे ये भी डबल टेल है. ये तीनों पीस तीनों के तीनों पीस डबल टेल में है. ओके. तीनों डबल टेल है. तीनों डबल टेल है. ओके. और ये रेड कलर में. रेड कलर में. ओके. और यहाँ पे अलग यहाँ है पे फीमेल है. ब्लैक जेड ब्लैक फीमेल है बीटा की. ओके. फीमेल फीमेल है. और यहाँ पे मून बीटाज है यहाँ पे. ओके. हाफ मून क्यों बोलते हैं इनको? पूरा वो डबल टेल में जो पूरा फ्लो रहता है वो टेल का उतना नहीं रहता है, थोड़ा सा रहता है. तभी कई लोग हाफ मून भी बोलते हैं या फिर उसको मून टेल फाइटर भी बोलते हैं. ओके. और दोनों में क्या डिफरेंस होती है? इसमें इसका फेदर बहुत बड़ा रहता है. डबल टेल होने के कारण उसका फेदर बहुत बड़ा रहता है. ओके. और इसमें उतना फेदर बड़ा नहीं रहता है, थोड़े नॉर्मल फेदर वाले रहते हैं. ओके. और यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत बीटा है. वो बीटा ये भी नॉर्मल वाले है. ओके. मून टेल बीटा बोलते हैं उसको. ये तीनों क्लास में जो है नॉर्मल. तीनों तीनों नॉर्मल टेल वाले. और यहाँ पे भी सेम बीटा है. सेम है. नॉर्मल मून टेल बोलते हैं उसको. मून टेल. मून टेल. ओके. और जानना चाहूँगा क्या प्राइस में सेल कर रहे हो, क्या प्राइस में हमारे व्यूवर्स को जो आपसे बाई करते हैं तो क्या प्राइस में? ये मून टेल जो सिंगल टेल वाले वो 150 रुपीस पर पीस आएंगे. ओके. और जो डबल टेल है वो आपको 200 रुपीस पर पीस आएंगे. ओके. जो 150 वाले वो एक पॉइंट करके दिखाओ कि कौन से है. ये यहाँ से ये जो मेल बीटाज है वो 150 रुपीस पर पीस है. ओके. और जो ये डबल टेल में ये तीन पीस बचे हुए हैं मेरे पास, 200 रुपीस पर पीस है. पर पीस 200 रुपीस. ओके. 200 रुपए का एक पीस बीटा फिश. के बाद अब हम देखेंगे इनके पास जो ऑस्कर्स है. और ऑस्कर्स के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको इनकी टैंक दिखा सकता हूँ. ये जो है इनके पास जो इन्होंने एक खुद टैंक बनाई है जो आप देख सकते हो कि अनकॉमन है, क्योंकि हम जो नॉर्मल टैंक्स देखते हैं वो कुछ इस प्रकार होती है रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप में. पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने कुछ नए प्रकार की टैंक बनाई है और जो आगे के तरफ से प्लेन है और पीछे यहाँ पर ज़रा सा कर्व है. तो भाई इसके अंदर मैं पूछना चाहूँगा कि कौन कौन सी ऑस्कर्स है इसमें? एक्चुअली तीन टाइप के ऑस्कर्स है. ये जो ब्लैक शेड में है वो कॉपर ऑस्कर बोलते हैं. जी. जो ये प्लेन रेड शेड में दिख रहा हो फायर रेड ऑस्कर बोलते हैं इसको. ओके. हाँ.
और जो ये पैटर्न वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो एल्बिनो ऑस्कर बोलते हैं, ये जो पैटर्न वाला है वो एल्बिनो ऑस्कर है। ओके, और ये वाला काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, इसके बारे में जानना चाहूँगा ये कौन सा ऑस्कर है? ये फायर रेड ऑस्कर बोलते हैं इसको, प्लेन जो कलर है फायर रेड ऑस्कर बोलते हैं। फायर रेड ऑस्कर, फायर रेड। ओके, मुझे तो पता है कि मेरे घर में क्योंकि बहुत सी बड़ी ऑस्कर्स है अडल्ट साइज़ की मैच्योर साइज़ की, पर हमारे व्यूवर्स के लिए आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ऑस्कर्स के लिए कौन सा अच्छा फूड है? फूड इसको आप जितना लाइव फूड दे सकते हैं वो भी अच्छा है, अगर उसमें ड्राई फूड देना है जी जी तो बहुत सा हेलो पेट्स कंपनी का भी आता है, वो ड्राई फूड दे सकते हैं आप। ओके, वो अच्छा रहेगा। ओके, चिकलेट्स वैरायटी का कौन सा भी फूड इसको चलेगा जी जी। और मुझे तो एक्सपीरियंस है ऑस्कर्स के बारे में क्योंकि ये बहुत खाना इनको पसंद है और काफ़ी वेरिएशन का खाना पसंद है, आप क्या सजेस्ट करोगे इनको कैसे कैसे कितने टाइम खाना दे और कैसा कैसा खाना दे इनको? अगर दिन में ये कैसे थोड़ा एग्रेसिव फिश है, इनको कैसा फूड एकदम प्रॉपर चाहिए रहता है जी, तो आप दिन में 3 बार डालेंगे तो भी चलेगा। ओके, अगर आपका पानी अच्छा क्लियर रखते हो आप, ओके, उसमें 3 टाइम फीड करेंगे तो भी चलेगा। 3 टाइम? ओके, और फिश टैंक मेट्स? जी जी बोलिए, सॉरी टू इंटरप्ट। 2 टाइम करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 टाइम पेट भर के उनको मिलना चाहिए, 1 टाइम लाइव फीड देंगे तो भी चलेगा। ओके, 1 टाइम फूड ड्राइड फूड देंगे तो भी चलेगा उसके लिए। ओके, और फिश टैंक मेट्स किस किस के साथ, हम किन फिश के साथ इन ऑस्कर्स को रख सकते हैं उसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? ये ऑस्कर मोस्टली जायंट फिश के साथ रहेंगे जी, या चिकलेट्स वैरायटी उनके साथ रह जाएंगे वो। ओके, पैरेट शिवराम्स, ये चिकलेट्स में बहुत सारे वैरायटी उनके साथ रहते हैं वो। ओके, और अभी फिलहाल क्या साइज है आपके पास इनकी? ये लगभग 4 इंच के साइज है। 4 इंच के साइज। ओके, प्राइसेस जानना चाहूँगा, क्या प्राइसेस में सेल कर रहे हो आप? आप कौन से भी ले लो, आपको 400 रुपीज पैर आएगा। ओके, कौन से भी ले लो 400 रुपीज पैर आएगा। ओके, 400 रुपए की जोड़ी आ जाएगी, 200 रुपए का एक ऑस्कर। ओके, और काफ़ी एक्टिव है क्योंकि जैसे ही आप आपका हाथ ऊपर कर रहे हो, और एक ऑस्कर्स की टेंडेंसी होती है कि इनको जैसे ही कुछ भी ऊपर सर्फेस पर दिखा तो फटाक से ऊपर चले आते हैं, ये बात मुझे ऑस्कर्स से बहुत पसंद है कि काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि दूसरे फिशेज़ की तरफ, ऊपर वाली टैंक देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास कौन सी फिशेज़ हैं? यहाँ पे कोई काप बोलते हैं इसको, कोई काप, कोई वैरायटीज़ है। 3 वैरायटीज़ दिख रही है मुझे अंदर, कौन कौन सी है? वो एक प्लेन पैटर्न जो आता है कोई में वो है जी, फिर एक मिल्की कोई बोल के आता है वो है। okay. प्लेन व्हाइट में जो white है वाली. वो ओके okay. और उसमें एक तो ब्लैक बॉर्डर वाले जो फिश दिख रहा है प्लस सिल्वर कलर में, उसको सिल्वर शार्क करके बोलते हैं। सिल्वर शार्क। ओके, तो दिव्येश भाई फिलहाल इनकी क्या प्रेजेंट साइज है? प्रेजेंट साइज इनकी बॉडी साइज जो है 3 इंचेस की है। ओके, विदाउट टेल 3 इंचेस की बॉडी साइज है। वेल टेल में बहुत सारे पीस, वेल टेल जो बोलते हैं वेल टेल कोई है जी 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 है। ओके, और क्या दाम है इनका, क्या प्राइस है इन फिशेस की? ये इनका प्राइस जो आपको वेल टेल कोई जो है वो 100 रुपीज पैर आएंगे। ओके, और जो ये सिल्वर शार्क है जी वो आपको 300 रुपीज पैर आएंगे। उनका साइज कम से कम 4 इंच तक है। 4 इंच? ओके, और कोई इसका काफ़ी बताना चाहूँगा रीजनेबल रेट है, 50 रुपीज में एक, 100 रुपीज में पैर, राइट? या ओके, तो ये थे कोइज और सिल्वर शार्क्स। अब हम बढ़ते राइट के तरफ वाली टैंक के ऊपर, यहाँ पे कौन से फिशेस हैं? ये टिनाफाइन बार्स बोलते हैं इसको। अच्छा, या लोकल नेम टिम्पल बार करके भी बोलते हैं। जी जी जी, एक्चुअल नेम टिनाफाइन बार्स बोलते हैं इसको। ओके, और क्या फीडिंग करते हो आप इनको? इनको मैं अभी हमारे पास शाम को लाइव ब्लड वॉर्म्स वगैरह रहते हैं वो खा लेते हैं अच्छे से। ओके, या फूड वगैरह डालेंगे वो भी खा लेते। और क्या साइज है इनकी करंट? ये 2.5 इंचेस के है ये। ओके, और प्राइस जानना चाहूँगा इनकी? प्राइस इनके 60 रुपीज पैर है। ओके, 30 रुपीज का एक फिश, 60 रुपए की जोड़ी है। ओके, अब बढ़ते हैं राइट वाले टैंक की तरफ, यहाँ पे कौन से फिशेस हैं? इसको शुभम किंग बोलते हैं। ओके, शुभम किंग गोल्ड फिश वैरायटी है ये? गोल्ड फिश के वैरायटी में आते हैं ये। ओके, शुभम किंग बोलते हैं उसको। ओके, और दो साइजेस है। ओके, एक छोटे वाले है जी और उससे थोड़े बड़े वाले है। ओके, 3 इंच है, उसके बाद 4 इंच के बॉडी साइज वाले भी है। इनका पैटर्न काफी खूबसूरत लग रहा है मुझे, बॉडी के ऊपर स्पॉट्स है। हाँ जी, और क्या प्राइस में मिलेगी हमको यहाँ? ये छोटे वाले जो है 80 रुपीज पैर है। ओके, और जो ये बड़े वाले वेल्टेल जो है जी वो 100 रुपीज पैर है। ओके, अब देखते हैं अगली फिशेस। यहाँ पे दिवेश भाई गोल्ड फिश है, पर कौन सी गोल्ड फिश है ये? ये वरंडा गोल्ड बोलते हैं, इसमें वरंडा रेड कैप भी है। जी जी, ये एकदम अच्छे क्वालिटी के वरंडा गोल्ड है। ओके, यहाँ पे और क्या प्राइस है इनकी? इनकी 300 रुपीज पैर है। ओके, 300 रुपीज पैर आएंगे आपको।
दिवेश भाई एक बात मुझे आपसे पूछनी है, यहाँ पे हमारे व्यूवर्स के लिए जो घर पे ऐसी टाइप के फिशेस रखते हैं, तो इनके ऊपर जो एक हेड का पोर्शन होता है जिसको बहुत से कॉमन टर्म में जेली बोला जाता है, तो ये जो जेली होती है इसको जो है अक्सर अगर लोग गलत फिश टैंक मेट्स रखते हैं तो ये जेली खाई जाती है दूसरे फिशेस से, तो आप इनके लिए क्या फिश टैंक मेट्स की सजेशन दे सकते हो कि किसके साथ हमारे व्यूवर्स इनको रख सकते हैं? ये आप नॉर्मली आप इसी वैरायटी के साथ रख सकते हो, गोल्ड के बहुत सारे वैरायटी है उनके साथ रख सकते हो, शुभम किंग हो गया, फिर आपके कोई हो गए जी, वो वैरायटीज के साथ रख सकते हो क्योंकि गोल्ड में ही बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, वो एक साथ रख सकते हैं जी जी इसलिए। और यहाँ पे एक ब्लैक मोर है, ब्लैक मोर ये वही सेम प्राइस 100 रुपीज़ पैर है, ब्लैक मोर 100 रुपीज़ पैर है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगली फिशेस गोल्ड फिश है राइट दिवेश भाई? हाँ गोल्ड फिश है। क्या प्राइसेस में मिलेगी ये? 60 रुपीज़ पैर मिलेंगे आपको। ओके, अब हम बढ़ते नीचे वाले टैंक की तरफ, यहाँ पे ये कौन सी फिशेस है? ये रोजी बाब है, बार वैरायटी है, रोजी बार बोलते हैं इसको। ओके, रोजी बाब, ये क्या नेचर एक्वेरियम में रखते हैं या नॉर्मल एक्वेरियम रख सकते हैं? नेचर एक्वेरियम में भी रख सकते हैं, नॉर्मल एक्वेरियम में भी टीनो फाइन बाब वैरायटी के साथ रह सकते हैं, दोनों टैंक में रख सकते हैं राइट? दोनों टैंक में रख सकते हैं। ओके, क्या प्राइस में मिलेगी हमको यहाँ पे? 40 रुपीज़ पैर मिलेंगे आपको। ओके, अच्छे कलर अच्छा है उनका जी जी, काफ़ी ब्राइट कलरेशन है और काफ़ी आई कैची कलर है इनका, जो आँखों को जो है काफ़ी अच्छा लगता है इनको देखना, इनके कलर काफ़ी खूबसूरत है, प्यारा कलर है। यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर मेरे ख्याल से 2-3 वैरायटीज है। पहली तो इस फिश के ऊपर मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये फिश के बारे में मुझे बताइए। ये गोल्ड फिश का ही वैरायटी है, कैलिको गोल्ड बोलते हैं इसको, कैलिको गोल्ड। हाँ, कैलिको गोल्ड बोलते हैं, फिलहाल एक ही पीस बचा हुआ है जी जी। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गोल्ड फिश में काफ़ी अनकॉमन और काफ़ी अमेजिंग वैरायटी मानी जाती है इसको, और काफ़ी देखने को मिलती नहीं, काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इसकी आँख हम देख सकते हैं कि पॉप्ड आउट है बाहर, और जिसकी वजह से इसको जो है काफ़ी एक अलग ही लुक मिल जाता है। यहाँ पे मैं जूम से आपको इसका आँखों का लुक दिखा देता हूँ। तो इसके बारे में दिवेश भाई कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती कि नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल जैसे गोल्ड फिश को रखते हैं वैसे ही रखना पड़ता है इसको, नॉर्मल इसमें रहते हैं वो जी जी। अभी तो फिलहाल इसकी साइज़ छोटी है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जब बड़ी होती है तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये काफ़ी छोटी साइज़ की है, आप देख सकते हो कि ये काफ़ी छोटी साइज़ की है, पर जब ये बड़ी होगी तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगी। क्या प्राइस है इसकी दिवेश भाई? ये 60 रुपीज़ पर पीस है, 120 रुपीज़ पैर था, अभी फिलहाल सिंगल ही है वो। ओके, सिंगल बचा है, आ जाएंगे नए स्टॉक में आ जाएंगे। ओके, तो कोई अगर हमारा व्यूवर इंटरेस्टेड है तो आप अगर आपके पास ऑर्डर देता है तो आप मंगा भी सकते हो राइट? मंगा सकते हैं। ओके, इस वैरायटी के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी इस वैरायटी के ऊपर ये है, क्या नाम है इसका? ये वरांडा रेड कैप है, छोटे में। ओके, वरांडा रेड कैप है ये। इनकी क्या प्राइस है? ये 100 रुपीज़ पैर आते हैं। ओके, और यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनको नेचर एक्वेरियम्स में रखते हैं डैनिसोनी। ओके, और क्या फिलहाल इनकी लेंथ है, साइज? ये 2 इंच के है। अच्छा, और क्या प्राइस है इनकी? ये 150 रुपीज़ पैर आएंगे आपको। ओके, अब हम कवर कर रहे हैं सिल्वर अरवाना। यहाँ पे दिव्येश भाई आपके पास ये सिल्वर अरवाना क्या साइज़ की है? ये 3.5 इंचेस की है ये। ओके, और क्या खिला रहे हो आप इसको खाना? ये ब्लड वर्म्स खा रहा है, और छोटे साइज में जो फीडिंग फिश बोलते हैं वो आएंगे रहते हैं तो वो खा लेते हैं। ओके, क्या प्राइस में मिलेगी हमको? ये आपको 550 रुपीज़ पीस मिलेगा। ओके, और आपके पास यही सिल्वर अरवाना की ब्रीड की और एक बड़ी अरवाना है राइट? राइट, तो वो हम हमारे व्यूवर्स को अभी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इनके पास है एक बड़ी सिल्वर अरवाना, और काफ़ी मैसिव साइज़ है इसका। दिव्येश भाई क्या बताना चाहेंगे इस अरवाना के बारे में, सबसे पहले क्या साइज़ की है ये? इसका साइज़ लगभग 2 फीट की है। ओके, 24 इंचेस के लगभग साइज़ है इसकी, यानी 2 फीट तक, 2 फीट तक साइज़ है इसका। ओके, और इतनी बड़ी साइज़ इसने अटेंड कर ली, क्या जान सकता हूँ क्या एज की है, कितने साल की है ये? ये 1.5 साल की है। ओके, 1.5 साल की अरवाना है। ओके, और जो हमने पहले कवर की जो अरवाना है, अगर वो अरवाना को ऐसी साइज पे अगर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या खिलाना पड़ेगा, कैसा टैंक रखना पड़ेगा? पहली बार उसको एक ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे सकते हो वैसा उसको बड़ा टैंक देना पड़ेगा जी। टाइम टू टाइम प्रॉपर पानी आपको चेंज करना पड़ेगा उसका। ओके, हफ्ते में कम से कम 2 बार करेंगे तो भी चलेगा। ओके, और उसको लाइव फीडिंग जितना दे सकते हो, लाइव फीडिंग या फिर इकारी ये सब
क्वालिटी के अच्छे फूड दे सकते हैं। ओके, वो फूड देंगे तो ये साइज में हो जाएगी। ओके, अभी फिलहाल आप इसको क्या फूड दे रहे हो? अभी मैं फिलहाल इसको गोल्ड फिश डालता हूँ। ओके, छोटे वाले जो गोल्ड आते हैं वो डालता हूँ। और जिनके पास ऐसी अगर अरवाना होगी बड़ी या जिसके पास करेंटली रहेगी, अगर वो गोल्ड फिश नहीं दे सकते तो क्या देना चाहिए उनको? वो उनको प्रॉन्स जो आते हैं, जो अपन प्रॉन्स खिला सकते हैं, प्रॉन्स श्रिम्प बोलते हैं, श्रिम्प श्रिम्प भी, और जो लाइव वो अपन खाने में प्रॉन्स खाते हैं जो ह्यूमन के लिए रहते हैं। हाँ, ह्यूमन के लिए जो प्रॉन्स रहते हैं वो भी आप फ्रोजन करके, अच्छे से साफ करके फ्रोजन करके खिला सकते हैं। बॉइल्ड एग खिला सकते हैं उसको, जो व्हाइट वाले लेयर रहते हैं एग के वो खिला सकते हैं। ओके, मतलब योक नहीं खिलाना है, व्हाइट वाला खिलाना है, व्हाइट वाला खिलाना है। ओके ओके, तो इसकी क्या प्राइस में आप सेल कर रहे हो, क्या जान सकता हूँ? ये 5000 रुपीस पीस आएगा। ओके, तो ये थी जायंट सिल्वर अरवाना 24 इंचेस की, जो आपको 5000 रुपए में मिलेगी जोस फिशरीज में। अब हम बढ़ते हैं अगली फिशेस की तरफ। अब हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट फिश, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत वैरायटी के फिश है यहाँ पे, और सेटअप भी काफ़ी खूबसूरत बना के रखा है यहाँ पे जोस फिशरीज में। तो दिवेश भाई, क्या फिश का नाम है ये? इसको मोनोसीबे एंजल बोलते हैं। एंजल वैरायटी है? एंजल की वैरायटी है, मोनोसीबे एंजल बोलते हैं। ओके, ये नॉर्मली आप सॉल्ट वाटर में भी रख सकते हैं या फ्रेश वाटर में भी रहता है ये। अच्छा, दोनों में? दोनों में रहता है। क्या मोनो एंजल की तरह ये? मोनो एंजल की तरह। ओके, और ये स्टोन्स में जानना चाहूँगा, क्या टाइप के स्टोन्स है ये? इसको कोरल रॉक बोलते हैं एक्चुअली, कोरल स्टोन्स बोलते हैं। ओके, क्या ये भी कुछ मतलब प्ले रोल निभाते हैं कुछ वाटर का पीएच मेंटेन करने में? पानी का पीएच, वाटर का पीएच मेंटेन करते हैं वो। ओके, एक मेंटेन सर्टेन टाइम में पीएच लगता है वो। ओके, रहता है उसमें से। और ये मोनोसीबे किस फिश के साथ रह सकती है? ये नॉर्मली मोनो एंजल के साथ रहेंगे। अच्छा, या फिर उसके साथ ही वो चिकलेट्स वैरायटी के साथ रहते हैं, लेकिन आप प्रॉपर फीडिंग वगैरह देंगे तो। जी जी, या फिर वो उनके ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ओके, और क्या प्राइस में मिलेगी हमको ये फिश? यहाँ 400 रुपीस पैर है, 400 रुपीस पैर है। ओके, और इनको ऐसे कुछ हाइडिंग हाइडिंग प्लेस रहेंगे तो अच्छे से रह लेते हैं। ओके, स्ट्रेस कंडीशन में नहीं जाता, हाइडिंग प्लेस रहेंगे तो स्ट्रेस में नहीं जाता। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट वैरायटी। तो दिवेश भाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके पास दो वैरायटी के फिशेस है। सबसे पहले इन फिशेस के बारे में जानना चाहूँगा जिनके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है। ब्लैक स्ट्राइप्स वाले टाइगर बाप बोलते हैं इसको। ओके, टाइगर बाप से। और दूसरे है वो, उसमें पोलर ब्लू पैरेट चिकलेट करके उनको जाना जाता है। पैरेट चिकलेट, पैरेट की वैरायटी है वो, पैरेट फिश की वैरायटी है। ओके, बहुत रेयर आते हैं वो, पोलर ब्लू पैरेट बोलते हैं उसको। और दिखने भी में भी काफ़ी अनकॉमन है, काफ़ी खूबसूरत पैटर्न है इनका देख रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल छोटे है करके वो कलर शेड लाइट है उनका, जैसे ही बड़े होंगे उसके कलर शेड में जो ब्लूइश कलर है वो काफ़ी बहुत अच्छा आता है उससे। ओके, और क्या प्राइस है दोनों की? जो टाइगर बाब है वो 40 रुपीज़ पैर है, और okay, जो पोलर ब्लू पैरेट चिकलेट है वो 50 रुपीज़ पैर है। ओके, यानी कि आपके पास 20 रुपीज़ ऑनवर्ड्स फिशेज स्टार्ट है, राइट? या 20 रुपीज़ से स्टार्ट है जी। और आपके पास बेबीज भी है, राइट? हम नीचे के टैंक में दिखा सकते हैं। बेबीज भी यहाँ पे जी, यहाँ पे ये सारे पैरेट के बेबीज है, राइट? हाँ, पोलर ब्लू पैरेट के बेबीज है यहाँ। ओके, और ये भी अवेलेबल है सेलिंग के लिए? हाँ, ये सेलिंग के लिए अवेलेबल है ये भी। तो अगर ये हमारे व्यूवर्स लेते तो ये क्या रख पाएंगे उनको घर पे, कि कुछ केयर लेना पड़ेगा स्पेशल? नॉर्मल, अभी ये बहुत अच्छे तरह सेट किया हुआ है, नॉर्मली ब्लड वर्म्स वगैरह खाते हैं, नॉर्मली आप रख सकते हैं किसके साथ भी हो, इतना एग्रेसिव नहीं है वो। ओके, और इनको फीडिंग के लिए फिर क्या दे घर पे? ब्लड वर्म्स डाल सकते हैं या फिर माइक्रो पैलेट्स आते हैं छोटे है, क्योंकि फूड उनको थोड़ा बारीक दाने वाला ही देना पड़ेगा, माइक्रो पैलेट्स वगैरह वो खा लेंगे, ब्लड वर्म्स बहुत अच्छे तरह खा लेते हैं वो। ओके, तो वो जो स्टेज होता है जब भी डैफनिया वगैरह खिलाना पड़ता है वो स्टेज से गुजर गए, राइट? ये या वो स्टेज से एकदम गुजर गए ये। ओके, तो ये थे पोलार, राइट? पोलार पैरेट के बेबीज इनके पास अवेलेबल है, और ये साइज के पैरेट्स भी अवेलेबल है इनके पास जो ये वाले हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट टैंक में ये कौन सी फिशेस है? ये विनस है, इसमें फिर विडो है, विडो टेट्रा विडो है, इसमें दो टाइप के, एक ब्लैक वाले एक वाइट वाले है। ओके, और ये दोनों क्या नेचर एक्वेरियम में जाती है, राइट? रख सकते हैं नेचर एक्वेरियम में भी, रख सकते हैं उसको। ओके, और अगर ऐसे नॉर्मल एक्वेरियम में रखे तो ऐसी फिश टैंक में इसके साथ रखे टेट्रा वैरायटी? फिश वैरायटीज के साथ बहुत कम जन रखते हैं जो प्रॉपर केयर कर सकते हैं फीडिंग वगैरह टाइम टू टाइम, या फिर वो गोल्ड फिश को थोड़े से तकलीफ दे देते हैं। ओके, फीडिंग कम गिरने पे गोल्ड फिश के फिन्स वगैरह खाने लग जाते हैं।
ओके, क्या प्राइसेस है दोनों की? ये 40 रुपीस पैर है दोनों, कौन से भी ले लो 40 रुपीस पैर है। ओके, अब इन टाइम्स के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं गप्पीज है। गप्पी अभी फिलहाल स्टॉक खत्म हो गए, थोड़े बहुत बचे हुए गप्पी है। ओके, तो स्टॉक आते रहता है, राइट? स्टॉक आते ही रहता है, हफ्ते में दो बार तो आता ही रहता है। ओके, क्या प्राइस है इन गप्पीज की? 50 रुपीस पैर है। ओके, और यहाँ पे तो काफ़ी खूबसूरत बीटा है आपके पास, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा ये कौन सा बीटा है? ये मूनटेल बीटा है, मूनटेल है। ओके, नॉर्मल सिंगल मूनटेल है। ओके, और क्या प्राइस है इसकी? 150 रुपीस पर पीस है। ओके, और यहाँ पे नीचे आपके पास ये ग्लास फिश है? ग्लास फिश है, कलर ग्लास फिश है, कलर इम्पोर्टेड वराइटी है ग्लास फिश है, कलर्ड ग्लास फिश है। क्या प्राइस है इनकी? वो 100 रुपीस पैर आएंगे आपको। ओके, और यहाँ पे आपके पास मॉलीज है? मॉलीज है, मिक्स्ड कलर के हैं? मिक्स कलर के हैं, ब्लैक खत्म हो गया, एक आध दो पीस रहेंगे ब्लैक। ओके, मिक्स है। क्या प्राइस है दोनों की? 40 रुपीस पैर आएंगे। ओके, शॉर्ट टेल्स है या फिर शॉर्ट टेल। ओके, इसमें दो वैरायटी है, ट्रेंजलिन बोल के वो भी है और एक पाइनएप्पल शॉर्ट टेल है। ओके, वो भी है। और ट्रेंजलिन, मॉलीज और शॉर्ट टेल्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? शॉर्ट टेल में जो आएंगे वो आपको ये जो पोर्ट दिख रहा है आपको ये टेल के पीछे वो ऐसे लंबे रहेंगे, उसको शॉर्ट टेल बोलते हैं। ट्रेंजलिन में मेल को ही रहेगा। ओके, ट्रेंजलिन प्रोबेबली बोलते हैं लेकिन उसको शॉर्ट टेल के नाम से ट्रेंजलिन शॉर्ट टेल भी बोलते हैं। ओके, और इनकी क्या प्राइस है? ये 50 रुपीस पैर है। तो इस टाइम के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये कौन सी फिश है? ये फ्लावरहॉर्न है, फ्लावरहॉर्न में एक दो वैरायटीज है, इसमें एक पर्ल स्पॉटेड है, छोटे बेबीज है फ्लावरहॉर्न के ये, और फिर ये दूसरा जो है वो थाइसिल फ्लावरहॉर्न बोलते हैं वो है। ओके, ये लोकल ब्रीडेड है जी, लोकल ब्रीडेड फ्लावरहॉर्न्स है। अभी कलर फिलहाल करंट साइज़ है इनकी क्या है? एक जो शॉर्ट बॉडी में जो है जी, वो आपको एक 10 रुपए के डॉलर के साइज़ के है जी जी, और जो लॉन्ग बॉडी में है वो 2.5 इंचेस के साइज़ में है। ओके, और क्या प्राइजेस है दोनों की? प्राइजेस इसके 100 रुपीस पर पीस है, कौन से भी ले लो 100 रुपीस। ओके, अब हम देख रहे हैं पैरेट फिशेस, यहाँ पे आपके पास रेड पैरेट्स है राइट? इसके अंदर पैरेट ए ग्रेड वाले रेड पैरेट हैं। ओके, और क्या प्राइजेस है इनकी? 550 रुपीस पैर है। ओके, और ये नॉर्मल सिकलेट है अंदर? नॉर्मल ब्लू मॉक बोलते हैं उसको, वो है। ओके, क्या नाम है इसका? ब्लू मॉक। ओके, और क्या प्राइस है इसकी? वो चिकलेट 180 रुपीस पैर है। ओके, और पैरेट वो 550। ओके, तो इसके बाद हम देख रहे हैं डिस्कस फिशेस, यहाँ पे कौन कौन से टाइप के डिस्कस है आपके पास? यहाँ पे दो तीन टाइप के है, ब्लू टर्कोइज है जी, फिर रेड मैप में एक छोटा सा पीस है, एक पॉइंट करके दिखाओगे हर एक टाइप के ऊपर? ये रेड मैप है ये। ओके, और ये ब्लू टर्कोइज बोलते हैं, ये ब्लू टर्कोइज में दो है। ओके, और इनको आप क्या फीडिंग करा रहे हो? इनको लाइव फीड में शाम को ब्लड वॉर्म्स देता हूँ। okay. या उसको कलर, इसके लिए आप टेट्रा बीट्स वगैरह दे सकते हैं जी जी, टेट्रा बीट्स भी दे सकते हैं। ओके ओके, और क्या प्राइस है इनकी? ये आपको आएंगे 1000 रुपीस पैर आएंगे, अगर आप चारों पीस लेते हो 1600 में आ जाएगा चारों पीस। ओके, और यहाँ पे वन सेकेंड ओरेंडाज है, ओरेंडा गोल्ड है, ये मीडियम साइज के छोटे छोटे है, जो पिछले बार थे उससे थोड़े छोटे वाले ये। ओके, इनकी क्या प्राइस है? ये 250 रुपीस पैर आएगा, निगोशिएबल है, 250 रुपीस पैर है, क्वान्टिटी में लेंगे तो कम हो जाएगा। ओके, अब हम कर रहे हैं अगली टैंक, दूसरे फिशेस पे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम एक बीटा देख रहे हैं। दिवेश, क्या नाम है इस बीटा का? ये एलिफेंट ईयर बीटा बोलते हैं इसको, एलिफेंट ईयर बोलते हैं। एक्चुअली मूनटेल में इनका ट्रैवलिंग में आते आते उनका फिन कट हो गया है। ओके, वो बढ़ जाएगा थोड़े दिन में, बढ़ जाएगा वो। ओके, और इसके बाद अब हम देख रहे हैं दूसरे फिशेस यहाँ पे, कौन से फिशेस है आपके पास? इसमें दो टाइप के गुरामी है, एक लिली गुरामी बोलते हैं और एक दूसरा ड्राफ्ट गुरामी है। तो लिली गुरामी कौन सा है? ये जो रेड प्लेन रेड ब्लू शाइन ऊपर है वो जी है जी, लिली, रेड लिली गुरामी बोलते हैं। ओके, और दूसरा ये ड्राफ्ट गुरामी, रेड ड्राफ्ट गुरामी है ये। ओके, जो थोड़ा सा पैटर्न है हल्का सा जी। क्या प्राइस है इनकी? ये आपको आएंगे 200 रुपीस पैर। और ये बीटा? बीटा है ये 250 वाला एक्चुअली। ओके, थोड़ा कवर करना है उसको, टाइम जाएगा, बहुत सारे थे एलिफेंट ये, वो ख़त्म हो गया है। ओके, तो इन फिशेस के बाद अब हम देख रहे हैं लेफ्ट टैंक के फिशेस यहाँ पे, ये सारी कौन सी फिशेस है? ये जेब्रा है, उसमें ब्लैक गोस्ट है जी, ये वाला एक ब्लैक गोस्ट है, ब्लैक गोस्ट है।
ओके, क्या प्राइसेस है इनकी? ब्लैक बस आपको 200 रुपीज़ पैर आएंगे जी, और जो जेब्रा है 40 रुपीज़ पैर आएंगे। अगर डजन में लेते हैं जेब्रा बहुत चीप रेट में मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे डॉलर्स है इसमें, वापस छोटे डिनोफाइन बास है जी, सिल्वर डॉलर है। और क्या प्राइस है इनकी? डॉलर 50 रुपीज़, टिनोफाइन बास छोटे वाले वो भी 50 रुपीज़ पैर आएंगे। ओके, अब हम देख रहे हैं फ्लावर हॉर्न। दिव्यश भाई कौन से फ्लावर हॉर्न है यहाँ पे आपके पास? मैं देख रहा हूँ दो फ्लावर हॉर्न है यहाँ पे, तो ये फ्लावर हॉर्न मीडियम साइज के फ्लावर हॉर्न है जी। ये SRD क्वालिटी के ही है, लेकिन छोटे बच्चे इसके लिए उसको हार्मोन फीड या कलर फीड नहीं किया है। okay. जो नॉर्मल नेचुरल कलर है वही है। ओके okay. क्या प्राइस में हमको मिलेंगी ये? 600 रुपीज पर पीस मिलेंगे, कन्फर्म मेल है ये। ओके, दोनों मेल है। हम अच्छे से आ जाएंगे, उसको ऐसे थोड़े दिख रहे देंगे जी जी। तो यहाँ पे अब हम कवर कर रहे हैं प्लीको फिश, राइट दिवेश? ब्रिस्टल नोज बोलते हैं इसको, प्लीको पर अपन। ब्रिस्टल नोज, ओके, क्योंकि इनके जी 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 क्योंकि इनके माउथ के ऊपर ब्रिसल्स है, राइट, इसलिए। ओके, और ये जो सामने वाली है वो वेल टेल है, और पीछे वाली नॉर्मल है। ओके, क्या प्राइसेस है इनकी? ये आपको 400 रुपीज़ पैर आ जाएगी। ओके, तो अब हम कवर कर रहे हैं ये नीचे वाले टैंक। यहाँ पे दिव्यश कौन सी फिशेस है? यहाँ पे टाइगर शार्क बोलते हैं, टाइगर शार्क जो है लंबे वाले वो टाइगर शार्क है। ओके, और यहाँ पे नॉर्मल गुरामी है जी, फिर सकर है, ब्लैक सकर है। ओके, और फिर ये नाइफ फिश बोलते हैं या फिर रेजर भी बोलते हैं इसको, वो है। अच्छा, ओके, क्या क्या प्राइस है सबकी? गुरामी, टाइगर शार्क ये सब 50 रुपीज पैर है। ओके, सकर भी 50 है। ओके, और जो रेजर है वो 100 रुपीज पैर है। ओके, और बढ़ते अगले टैंक। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे आपके पास गोल्ड फिशेस है। ये गोल्ड फिशेस है, नॉर्मली आप ऐसे लेंगे तो 40 रुपीस पैर है जी। अगर अरवाना डेली आप अरवाना इसके लिए फीडिंग के लिए लेते हैं डेली, तो आपको 100 रुपीस डजन में आ जाएगा। ओके, यानी 12 फिश, 12 गोल्ड फिश मिलेंगे, राइट? 12 गोल्ड फिश 100 रुपये में। 100 रुपये में, ओके। तो जो फीडिंग फीडर फिश इनको बोला जाता है, तो ये सारे क्वारंटाइन है, हेल्दी है, राइट? ये हेल्दी है, पूरा क्वारंटाइन करके इनको रखा हुआ रहता है हमारे। ओके ओके, तो अब हम देख रहे हैं फीडिंग वीडियो इस अरवाना को। अब दिव्यश भाई फीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस अरवाना को गोल्ड फिश दे रखी है। तो अगर आप चाहते हो आपके अरवाना को भी अगर आपको फीडर फिश गोल्ड फिश देनी है, तो आप इस शॉप से परचेज कर सकते हो। ऐसे फीडर गोल्ड फिश इनके शॉप में आपको मिल जाएंगे, जो दिव्यश भाई ने इस अरवाना को खिलाया है। सो दिस वॉज जोस फिशरीज फिश स्टोर लोकेटेड एट भांडुप। और यहाँ पे हमने बहुत सारे एक्वेरियम फिशेस कवर की, जैसे कि ऑस्कर्स, पैरेट्स, कोइस, सिल्वर शार्क्स, ये सारे फिशेस हमने इस वीडियो में कवर की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए ऐसे ही कमाल के एक्वेरियम वीडियोस देखने के लिए। और बने रहिए आपके अपने एक्वेरियम एंड पेट चैनल SJ इंसेप्शंस पे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एज आई लव मेकिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। Thank you.